और पेटीएम, पेटीएम पेटीएम ज्यादा यूज होता था पेटीएम, यानी कि एक थी हमने देखा वो केले बेच रहा होगा, हमको पूजा के लिए केले लेने होंगे, तो बोले पेटीएम कर दो भाई, हमको कुछ पता नहीं पेटीएम क्या, तो ऐसा उसने लगाया हुआ था क्यूआर कोड करें तो आप पेटीएम, तो ये देखो हमने जो देखा जी जी। और सड़क बड़ी अच्छी जो है, रोड थी दमो से जो हम लोग अपना हरिद्वार से दमो गए वो भी क्या वीआईपी, उन्होंने हाईवे जो हाईवे वगैरह अच्छा बना अच्छा था। मेरे साथ है महाराज कृष्णा किशोर दास भागवत आचार्य। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ठीक है। और सबसे पहले तो आपका थैंकफुल है, आपने टाइम दिया कीमती समय से, तो हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में अगर कुछ आप बताना चाहें। हाँ, तो मैं हरे कृष्णा करता हूँ सब भक्तों के चरणों में, और धन्यवाद हमारे समीर भाई का जिन्होंने इस सेवा के लिए मुझ दास को चुना। तो मैं कृष्णा किशोर दास भागवत आचार्य, और श्याम सुंदर पराशर महाराज जी के द्वारा मैंने भागवत को हिफ्स किया है जी। अच्छा, महाराज जी का एक चैनल भी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। महाराज जी चैनल का नाम क्या है, थोड़ा बताएंगे? मेरे चैनल का नाम है भक्त समाज गोड़िया मठ। तो आप सब मेरी लेक्चर वहाँ से सुन सकते हो, और आसान तरीके से भी आप उसमें जा सकते हो, कृष्णा किशोर दास पाकिस्तान आप लिखोगे तो मेरी सारी कथाएं वहाँ पर आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अच्छा, मैं एक और चीज़ फ्रेंड्स बताता चलूँ, महाराज जी ने जो है यहाँ पे पाकिस्तान में जो है जगन्नाथ रथ यात्रा का जो स्टार्ट किया था वो भी इन्होंने किया था, तो महाराज उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को। आपने बहुत अच्छी बात जो है समीर भाई ने पूछी, तो रथ यात्रा जो है वो 2009 से हमने शुरू की जी जी, तो 2023 में जो है हमने 15वीं रथ यात्रा मनाई। तो रथ यात्रा से मैं समीर भाई आपको बताता चलूँ जी जी, कि मुझ पर जो है भगवान जगन्नाथ की बड़ी विशेष कृपा, बड़ी विशेष कृपा हुई कि जब हमने ये 14वीं रथ यात्रा बनाई तो हमने अप्लाई किया हुआ था इंडिया यात्रा के लिए, तो भगवान की दया से जो हमें जो वीज़ा मिला, काफ़ी लोग रिजेक्ट हो गए, पता नहीं वो भगवान की क्या मेहरबानी थी, हमें जो है वो 49 लोगों को वीज़ा मिला, 49 एक हमारे यहाँ एक माता जी को रिजेक्ट कर दिया था, अच्छा तो वजह उन्होंने बताई नहीं, बाकी अच्छा वीज़ा मिला। तो फिर जो है भगवान की दया से हमने जनवरी में इंडिया यात्रा जो अभी जो है इसी साल में, इसी जनवरी में। अच्छा, उससे पहले कितनी बार महाराज गए थे आप? उससे पहले मैं लगभग 2005 में पहली मरतबा गया था, दो तीन मरतबा गया। तो अब थोड़ा सा सफर पे आ जाते, तो किस तरह सफर रहा ये यहाँ से पाकिस्तान से? किस सफर जो है हमने जो है शुरू किया, तो सबसे पहले तो हमको इतना डरा दिया गया, बड़ी सर्दी है, ट्रेन में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फिर हमने अच्छी जो है ना वो व्यवस्था करी भाई, कम्बल शम्बल की, तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, इतना कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है लाहौर उतरे, तो एक दिन जो है लाहौर में जो गुरुद्वारा था तो हम लोग ने वहाँ पर माथा टेका। अच्छा, गुरुद्वारे में। और दूसरे दिन जो है हमने जो है वो वाघा बॉर्डर से बाय फुट हमें जाना था, क्रॉस किया इंडिया जो है क्रॉस किया। अच्छा, जो सबसे अच्छा जो जो मुझे मतलब मानो भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला, तो मैं सब भक्तों को बताना चाहता हूँ, ये हकीकत है, ये हकीकत हुआ ये था कि हम सबके पासपोर्ट पर जो वीज़ा लिखा था वो चार जगह का लिखा था, बद्रीनाथ, गोकुल, गया जी और दमो, चार जगह। अब मुझे बद्रीनाथ का वीज़ा मिला भी और फिर भी मैं दुखी हूँ, क्योंकि उस क्योंकि बद्रीनाथ के 6 महीने पट बंद होते हैं, 6 महीने खुल जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, तो बर्फबारी हो रही थी, पट बंद हो गए थे यार, हम बड़े दुखी। तो जब मैं इमिग्रेशन पर गया, अपना पासपोर्ट दिखाया, हम लोग सब थे, तो मैंने बोला हमारे साथ बड़ी ज्यादती कर दी है कि भाई किसने ज्यादती करी, मैंने भगवान ने कर दिया हमारे साथ ज्यादती। अब बद्रीनाथ धाम, क्योंकि हमारे चार धाम बड़े बताए गए हैं जी जी, एक बद्रीनाथ जी, एक जो है वो अपना द्वारका जी, और जो है अपना जगन्नाथपुरी, और एक रामेश्वर जी। तो मैंने बोला भाई अभी बद्रीनाथ का वीज़ा मिला और नहीं के बराबर है, तो मैंने बोला ये हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हो गई कि हमें जगन्नाथ पूरी का जो वीज़ा नहीं दिया गया। अच्छा, तो मेरे आँख से आंसू निकल गए। अच्छा, उस दौरान भी हमको पता नहीं लगा कि हमको जगन्नाथपुरी का वीज़ा मिला है, हमें एक फॉर्म दिया, हमने फॉर्म को पढ़ा वाला नहीं, एक लिस्ट होती है जिसमें आपको जो है एंट्री और आउट करवाना पड़ता हैगा, तो मैं जो फॉर्म मैंने लिया, फिर हम लोग जो है सब लोग जो है वो अमृतसर से हम लोग गए हरिद्वार। अच्छा, हरिद्वार में जो है सबसे बड़ी जो हमें अच्छी जो, क्योंकि हम एक सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू हैं, तो मकर संक्रांति का हमको स्नान, तो अगर आप एक हिंदू और आपको
ऐसे अच्छे दिन भर हो रही है, स्नान मिल जाए गंगा जी का, तो उससे बड़ा तो खुश नसीब इंसान हो नहीं सकता। तो मैं फिर हरिद्वार में गया, तो हरिद्वार में जाकर जो है हम रुके, मकर संक्रांति का स्नान किया। तो फिर जो है वो हमें हरिद्वार से जाना था दमोह, तो हम जब दफ्तर गए उसको आउट करवाने के लिए, गए तो उन्होंने कहा भी यहाँ से कहाँ जाओगे, तो हमने भी मजाक में कह दिया उनसे, अपना उन सर से, सर आप भेजोगे कहाँ। बोले भैया ये आपके यहाँ तो जगन्नाथपुरी है, ये है वो। मैंने क्या आप जगन्नाथपुरी का नाम ले रहे हैं, क्या मुझे जगन्नाथपुरी का वीज़ा मिला है? बोले पंडित साहब इसमें लिखा हुआ। भाई मैं तो बड़ा हैरान रह गया कि मुझे जगन्नाथपुरी का वीज़ा मिल गया। फिर तो भाई मैंने जो पहली फुर्सत में हमने कहा भाई हमको तो आप जगन्नाथपुरी की एंट्री लगवाते हैं। तो फिर हम जो है वो दमोह गए, दमोह से हम पहली फुर्सत में जो हमने जगन्नाथपुरी का वहाँ पर जो विज़िट किया। और जब भगवान जानते हैं जगन्नाथपुरी गए तो हमारे मेरे अभी भी शरीर के बाल खड़े हो गए। तो जब मैंने उस मंदिर को देखा, दूर से देखा, तो मैं उसी रोड पर लेट गया, मैं रोने लगा और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे भगवान जगन्नाथ जी ने जो है वो यहाँ पर बुलाया। तो अगर देखा जाए कि अगर हम भगवान राम भी 14 साल वनवास रहे तो 14 साल के बाद अपने घर आए राम जी भी, तो मैंने भी जो है भगवान, मैंने क्या हमारी पूरी टीम ने जो 14 साल तक ये रथ यात्रा निकाली, तो वो 14 साल रथ यात्रा का जो है हमें तोहफा क्या मिला कि हमें जो उड़ीसा वो जगन्नाथपुरी का दर्शन हुआ। अच्छा हमारा ट्रैवलिंग कैसे हो रही थी आप लोग की, जो ट्रैवल किया आपने जैसे अमृतसर से ट्रैवल किया आगे हरिद्वार की तरफ, तो किस तरह ट्रैवलिंग हुई है? हाँ ये कि हमने जो है वो अमृतसर से एक लोकल बस ली थी। अच्छा लोकल बस में जो हमको लेकर गई हरिद्वार। अच्छा हरिद्वार, हरिद्वार लेकर गई जी, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था जी। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपको बहुत महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है, करेंसी डिफरेंस भी है। हाँ क्योंकि करेंसी, अब हॉस्टल लोग क्या है बड़े परेशान होते हैं, होते हैं बहुत महंगा पड़ गया। वो अपनी जगह पर वो सही है जी जी, और हम अपनी जगह सही है। अब जैसे कि मिसाल है कि अगर महंगाई का दिखा था, मैं आपको बारे में बताता हूँ कि जैसे कि हम लोग यहाँ 50-60-70 रुपए में अगर नाश्ता कर रहे हैं जी जी, हम अपने अनुसार सही है बिल्कुल। अब उधर जो 50-60-70 या 100 रुपए का अगर नाश्ता करता है उसको महंगा पड़ेगा, क्योंकि उनकी करेंसी बहुत हाई है बिल्कुल, और हमारी करेंसी बहुत डाउन है। डाउन तो वहाँ पर होता क्या कि लोग सोच यहाँ की बनाते हैं, और यहाँ की सोच बनाकर अगर वो वहाँ पर यात्रा करने जा रहा है तो इसको बेवकूफ़ी कहा जाएगा। मतलब ऐसा मैं एक चीज़ कहूँ कि ऐड अगर करना चाहूँ कि जो लोग जा रहे हैं किसी के साथ भी ग्रुप में जा रहे हैं कैसे भी, तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा बजट रखना चाहिए उनको। मतलब इसका यही हैगा, इसका यही है क्योंकि वो हमें महंगा पड़ता हैगा। कि ऑप्शन हो आपके पास के, क्योंकि शॉपिंग भी करनी होती है, दूसरी चीज़ें भी लोग शॉपिंग तो आप दूर हटाती है, आपको कन्वेंस ही महंगा पड़ता है, कन्वेंस महंगा पड़ता है। अच्छा तो महाराज किस तरह हरिद्वार गए, वहाँ के क्या फीलिंग थी आपकी, किस तरह, या जो आपके साथ लोग थे और भी जो थे? बहुत खुश हुए हमारे साथ जो लोग थे उनको जो है ना वो मतलब सही पड़ गया उन्हें, और बड़ी खुशी हुई थी क्योंकि एक सनातन धर्म को मानने वाला अगर हिंदू है वो, जब सुबह ही जब हम लोग गंगा का दर्शन किया तो जे जे। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था जे जे। तो बहुत बहुत हमने आनंद लिया, लेकिन हमें महंगा पड़ रहा था क्योंकि हरिद्वार भी आपको इसलिए महंगा पड़ता है क्योंकि वहाँ पर जो है वो फॉरनर्स वगैरह काफ़ी लोग जो आते हैं जी जी, तो उसकी वजह से थोड़ी महंगाई है, थोड़ी महंगाई है। या करेंसी के ज़्यादा यहाँ से थोड़ा वो, नहीं उस करेंसी के अलावा भी अच्छा तो वो जगह महंगी पड़ती है, थोड़ा महंगी पड़ती है। अच्छा जैसे तो फिर हरिद्वार से आगे फिर कहाँ जाना हुआ हमारा? हरिद्वार से जो है वो हमने जो है वो विज़िट किया था दमोह का, दमोह किया था। ये दमोह विज़िट करने का मकसद ये था क्योंकि हमारे पास लगभग 20 दिन का वीज़ा था जी जी, और वो 20 दिन के अंदर हम लोग को गुजारना कहा है, क्योंकि दमोह में ऐसे थे कि वहाँ पर श्री भगवान वेदांत आचार्य तो उनका आश्रम था जी जी, तो लगभग हम जो है दमोह में 7 दिन रहे। तो 7 दिन में क्या है कि वो पैसा हमारा थोड़ा जो हाथ से निकल रहा था वो रुक गया था। अच्छा, क्योंकि वहाँ पर जो है वो महाराज जी ने खाने पीने की बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, उनका आश्रम था, और वहाँ पर जो है वो बहुत सुकून था, बड़ा सुकून था, क्योंकि महाराज सीधे साधे थे, तपस्वी थे, तो बड़ा वहाँ पर हमें मुझे मतलब बड़ी वहाँ एक रूहानी एनर्जी मिलती बहुत बहुत। तो वहाँ जाकर क्या हुआ कि जब हमने जो 7 दिन गुजारा ना, तो 7 दिन से क्या हुआ कि उसके अंदर अब बहुत से लोग तो बोर हो रहे थे, लेकिन अगर आप समीर भाई देखें हकीकत हमें 20 दिन गुजार रहे हैं तो वो कैसे गुजारेंगे? अगर हम ऐसी जगहों पर रहेंगे जहाँ पर आपका पैसा जा रहा है, फिर तो आप वहाँ पर मुश्किल से 10 दिन भी गुजारोगे। तो फिर मैंने एक आइडिया लगा कि दमोह चलते हैं, थोड़ा महाराज के आशीर्वाद भी लेते हैं, और दूसरी बात जो है वहाँ पर हमारी सेविंग हुई पैसों के साथ, और दमोह के लोग बहुत अच्छे हैं। जब हम लोग गए तो बड़ा ढोल धमाके से हमारा स्वागत किया, बड़ा स्वागत किया, और फिर वहीं दमोह से आगे एक और थे महाराज जी, उन्होंने जो है वो
अपने आश्रम में जितने पाकिस्तानी थे जी जी सबको बुलवाया, तो अच्छा प्रोटोकॉल, बहुत गाड़ियाँ हमें दी जी जी, तो पूरे 45 लोगों को वो गाड़ियों में लेकर गए और वो उनको बड़ी खुशी होती थी जी जी, बड़ी खुशी होती थी कि आप लोग जो है ना वो इतनी दूर से इतनी महंगाई के अंदर जो है, क्योंकि उस दौरान जो है वो हमें अभी भी याद है कि जब हम लोग वहाँ थे तो एक हमारी वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी, अच्छा हमारे पाकिस्तान में आटा बहुत महंगा हो रहा है, सुना होगा आपने भी समीर भाई, बिल्कुल तो वो लोग बोलते हो आप लोग कैसे टाइम गुजारते हो इतनी महंगाई है, मतलब भाई हमें तो पता नहीं, अब तो यहाँ पर मौजूद हैं। बहरहाल उन्होंने हमें सम्मान दिया, अच्छा ख्याल किया, बहुत अच्छा ख्याल किया, बिल्कुल अच्छा। हमारा थोड़ा सा अगर जिक्र हुआ ही है, ज़ाहिर दमों में भी आप रहे, तो खाने के बारे में थोड़ा सा बताएं, वेजिटेरियन खाने वहाँ के ज़ाहिर दुनिया में फेमस हैं, तो कुछ याद है कौन से खाने खाए? खाने तो बहुत तरह के वहाँ खाने हैं जी, तो क्योंकि वेजिटेरियन है ज़्यादा सब्ज़ी वो लोग खाते हैं, तो उनके उनके खाने में वो ज़्यादातर जो है वो मीठा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मीठा जी जी, तो जब मैं महाराज संघ के महाराज जी के साथ जब, क्योंकि मैं उनके साथ भोजन करता था जी जी, तो पहले तो मैं थोड़ा डगमगा गया, अभी मैंने बोला पता नहीं तरीकेकार क्या है खाने का इनके साथ, ये महापुरुष है, तो उन्होंने कहा पहले आप कीजिए, मैंने नहीं पहले आप कीजिए, तो उन्होंने सबसे पहले जो गुलाब जामुन उठाया, अच्छा तो मैंने बोला महाराज जी आपने पहले मीठा क्यों लिया, तो फिर उन्होंने इसके ऊपर पूरी चर्चा करी, क्योंकि मीठा हमारे तीन गुण बताए ना, सतो तमो रजो, तो मीठा खाने से सतो गुण ही पता लगता है, सतो गुण ही है, अच्छा। और मतलब मीठा बोलेगा मीठा रहेगा, तो इस तरह से जो है वहाँ पर जो मीठा ज़्यादा इस्तेमाल होता था, और सबसे जो मैंने जो अपनी आंखों से देखा कि उनकी रोटी ऐसी फूलती थी एकदम से, अच्छा हमारे साथ कुछ हमारी जो माताएँ थी बहनें थी, तो जब उनको रसोई घर में बुलाया गया भोजन के लिए, मतलब रोटी बनाने के लिए, तो उनकी रोटियां फूली नहीं, तो आचार्य जी की माने का भी आप चली जाओ, नहीं उनसे पकवाया भाई, फिर वो अचार का इस्तेमाल करते थे, पापड़ का बड़ा अच्छा है, पापड़ का इस्तेमाल बिल्कुल, और मतलब मैंने देखा कि वो लोग एक ही चीज की कितनी वैरायटी बना लेते थे जी जी, तो बहुत खाने तो बड़े स्वादिष्ट, सब्जियों में बहुत सी, और हम तो वैसे ही वेजिटेरियन है जी जी, तो बड़ी सब्जियों में हमने वैरायटियां मजू वहां पर जो खाई है जी जी। अच्छा हमारा तो दमों से फिर आगे कहाँ जाना हुआ? दमों से जो है हमने जो है वो जगन्नाथपुरी की यात्रा, जगन्नाथपुरी यात्रा करी थी, तो जगन्नाथपुरी बहुत दूर है, अच्छा बहुत दूर है, हमें जो है वो 2 दिन 1 शाम लगा था, अच्छा मतलब दिन रात और एक शाम अच्छा। को मैं जगन्नाथपुरी जो है हम सब लोग पहुँचे थे जगन्नाथपुरी, तो उस बीच में भी फिर कहीं स्टे ले रहे थे, जा रहे थक जाते हैं लोग भी, दरअसल हुआ ये क्या कि हमारे पास गाड़ी स्लीपर थी, अच्छा क्योंकि दमों के जो महाराज थे उन्होंने जो है ना वो हमें वहाँ से दमों में गाड़ी करवा के दी थी, तो स्लीपर बस थी, अच्छा तो स्लीपर बस के अंदर ऐसा होता था कि क्योंकि इतने लंबे लंबे रास्ते होते थे, तो हम लोग जो वो सोना खाना जो इसके अंदर कर लेते थे जी जी अपना स्लीपर बस के, तो किसी जगह रुकना हुआ ढाबे पे या किसी ढाबे पे जो रुकते थे तो वो भोजन वोजन करते थे, फिर वो स्लीपर गाड़ी में चले जाते हैं, फिर सोते सोते कहीं ना कहीं अपनी मंजिल को पहुंच जाते हैं। अच्छा हमारा चाय वहाँ की बड़ी फेमस है इंडिया की, मतलब अलग मसाले वाली भी चाय सुनते हैं हम, वैसे मलाई वाली चाय, तो चाय के बारे में क्या अच्छा, कहेंगे आप, चाय पीते हैं ज्यादा नहीं पीते? चाय के बारे में तो आपको डिटेल दे ही नहीं सकता जी, क्योंकि मैं चाय खुद पीता नहीं हूं। आप चाय नहीं पीते? मैंने इसीलिए मैंने पूछा कि चाय मैं खुद पीता नहीं हूं और ना मेरी फैमिली चाय पीती है, अच्छा चाय बिल्कुल, इसलिए चाय के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता। अच्छा दूध बहुत बढ़िया था, सही है दूध जो हमने पिया। अच्छा उसके कोई खास रीज़न चाय ना पीने की? मैंने चाय जो मजबूत तौर पर हम चाय नहीं पीते, चाय नशा है। अच्छा चाय नशा है, कैफीन आगे उसमें होता है जी जी, चाय अच्छा उस वजह से नहीं करते मजबूत तौर पर, अच्छा इस्तेमाल नहीं करते, सही सही। और उसके बाद महाराज जगन्नाथपुरी भी गए आप, उसके बाद आगे फिर कहाँ जाना हुआ? जगन्नाथपुरी से जो है वो हम लोग जो आए थे वो हम आए थे गया जी। अच्छा हाँ गया जी, ये कहाँ पे? ये गया जी आता है बिहार के अंदर। अच्छा बिहार में, बिहार में गया अच्छा, जी आता अच्छा। है गया जो हम हिंदुओं का वो तीर्थ है कि जहाँ पर जो अगर कोई मर जाता है दुनिया से चले गए तो उनके लिए वो स्पेशल जगह बताई गई है कि उनको पिंडदान दिया जाता है, अच्छा। उनका श्राद्ध किया जाता है। तो मेरी जो है वो दिली ख्वाहिश थी कि मैं जो मेरे दुनिया से मेरे पूर्वज चलेंगे कि मैं उनका वहाँ पर श्राद्ध करूँ, तो फिर जो है जब मैं जा रहा था तो क्योंकि मेरा तो काम ही कथा करना है, घर घर जाकर जो है वो कथा करता हूँ, नमाज करवा प्रार्थना करवाता हूँ जी जी। तो अब मैंने जब गया जी के बारे में तो कुछ फैमिलियों ने कहा भी हमारा भी कुछ करवा देता है, तो मैंने क्या किया सबकी वहाँ से फोटोएं ली जो उनके चले गए किसी हादसे में मर गए, तो जो उनकी हैसियत थी उन्होंने मुझे लिफाफे में डालकर दिया, तो मैंने वो महाराज जो थे वहाँ गया जी वाले श्री डीपू जी महाराज उनको मैंने थमाया और वहाँ पर जो है हमने अपने पूर्वजों का वो है श्राद्ध किया। गया जी से आना था गोकुल में जी जी, गोकुल में तो
जिन महापुरुष की वजह से मैंने ये भागवत कथा को सीखा जी, तो महाराज जी की जो है वो कथा चल रही थी प्रयागराज त्रिवेणी में। अच्छा, त्रिवेणी, उसको त्रिवेणी इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती, अच्छा, संगम जो होता है वो नदियों का। अच्छा, संस्कृत में वेणी कहते हैं चुटिया को, ये बड़ी खास बात है। अच्छा, ये मैं यहाँ पर हमारे जो सनातन धर्मी उनको भी बताना चाहता हूँ, ये बड़ी खास बात है। इसे त्रिवेणी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वेणी कहते हैं संस्कृत में चुटिया को। जब माता जी चुटिया गूंजती है तो दो धारा तो हमें नजर आती, तीसरी नजर नहीं आती। अच्छा, चुटिया की जी, जी। तो इसी तरह से उसे त्रिवेणी कहते हैं, वहाँ पर गंगा जमुना नजर आती है जी, जी। क्योंकि गंगा जी है श्याम सांवरे कलर, गंगा जी है सफेद रंग की, ठीक है, और यमुना जी है श्याम जी, और सरस्वती है लाल धारा, तो सरस्वती नदी नजर नहीं आती पर उसके अंदर ही मौजूद है जी, जी। तो त्रिवेणी, और वहाँ पर जो है कुंभ का मेला भी चल रहा था। अच्छा, तो दो तरह के कुंभ होते हैं, एक कुंभ जो है वो त्रिवेणी में होता है, वो होता है सर्दियों में। अच्छा, मकर संक्रांति के दौरान वहाँ पर ये कुंभ लगता है, और एक कुंभ जो हमारे यहाँ बनाए बताया गया 3 साल बाद हर जगह पर होता है, हर जगह पर 3 साल बाद। तो इसको छोटा कुंभ भी कहते हैं, मिनी कुंभ भी कहते हैं। तो आज तक तो फिल्मों में नाम सुना था कुंभ का मेला, कुंभ का मेला, तो हमने सोचा भी कुंभ होता कैसा है। तो क्योंकि हमारे रास्ते में था, क्योंकि जब हम अपना गया जी से जब हम गोकुल की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में हम लोग जो है वो कुछ देर के लिए, मतलब घंटा दो घंटा तीन घंटा के लिए हम लोग जो है प्रयागराज आए। अच्छा, तो प्रयागराज आए तो भैया हमने देखा कि पूरा एक महीने के लिए वहाँ पर एक शहर आबाद है, शहर बस जाता है, बड़ा अच्छा शहर। क्या वो पुल बनाया, मेहनत की उन्होंने, लाइटिंग वगैरह सब आर्टिफिशियल। तो हम लोग जो है वहाँ पर गए प्रयागराज, तो प्रयागराज के अंदर जो है मेरे जो पूज्य गुरुदेव हैं श्री श्याम सुंदर पराशर महाराज जी, उनका हमें दर्शन हुआ। तो वहीं पर एक ब्रह्मचारी जी महाराज थे, श्री सर्वेश्वर जी महाराज, ऐसे मोटे ताजे, खाना नहीं खाते थे। अच्छा, फल दूध लेते थे और ऐसी उनमें जान, और बड़े अच्छे। जब उन्होंने सुना कि यार ये सारे भक्त यात्री पाकिस्तान से आए, तो वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे उनकी आंखों से आंसू आ गया। क्यों आंसू आ गया, कि वो देखकर इतने खुश हो गए, यार ये इनके देखो, भगवान ने हमें एक चेहरा दिया है, हमारा चेहरा सब बता देता है कि आपका चेहरा क्या कह रहा है। उन्होंने देखा यार आप सबके चेहरों पर इतनी खुशी, तो उससे उनके मन में ऐसा लगा कि वहाँ पर खुश है, सही, वहाँ पर खुश है ये। उन्होंने मतलब क्योंकि त्रिकाल दृष्टि से बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए, और बहुत हमारी सेवा करी, बड़ी सेवा करी। फिर हम लोग जो है वो त्रिवेणी में स्नान किया, और त्रिवेणी में स्नान करने के बाद जो है सबका मान सम्मान, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एक एक बच्चे को एक शाल और एक कम्बल। अच्छा, अब वो इतनी कम्बल भारी, अब कैसे लेकर आए, तो हमने वहीं पर कम्बल जो है जितने जो वहाँ पर जो बेचारे जो गरीब लोग थे दान किए, तो सबने क्या कर दिया, सबने वहाँ पर जो उन कम्बलों को दान कर दिया है। फिर जो है हम लोग जो है तीर्था प्रयागराज से जो है हम लोग गोकुल आए, तो गोकुल लगभग हम रात के टाइम में पहुँचेंगे। अच्छा, सही, मतलब शाम और रात के बीच जी, में जी। हम जो है वो गोकुल पहुँचे। वहाँ कैसा माहौल, क्या मतलब गोकुल दरअसल जो है हमें गोकुल और हरिद्वार बहुत महंगा पड़ा। अच्छा, जो मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ, गोकुल और हरिद्वार हमें बहुत महंगा पड़ा। दरअसल गोकुल जो है ना, गोकुल, अब गोकुल में जो है ना, गोकुल से वृंदावन दूर था जी, तो वो रक्षा हमें बहुत कन्वेंस बहुत महंगा पड़ता था। सही, और क्योंकि हमारी जो एंट्री थी वो गोकुल में थी, क्योंकि गोकुल कम से कम वृंदावन गोकुल से 1.5 घंटे का रास्ता है। अच्छा, तो गोकुल एक जगह अलग हो जाती है, वृंदावन एक अलग जगह है जी, तो वो हमें मना नहीं करते, उन्होंने बोला भी आप आ जाएँ और दर्शन कर कर आ जाएँ। तो उसके अंदर होता ये था कि हमें बहुत पैसे हमारे लग जाते थे गोकुल, फिर भी हमने जैसे तैसे कर कर भगवान की कृपा से तो वहाँ जो है हमने जो है ना एक हफ्ता जो है गोकुल में गुजारा। फिर वहीं गोकुल से फिर नज़दीक ही आता बरसाना, जहाँ पर श्रीमती राधा रानी की हवेली है। फिर जो है नंदगांव गए, गोवर्धन जो भगवान कृष्ण ने जो है वो अपनी उंगली पर उठाया था 7 साल की उम्र में, 7 कोस का गोवर्धन, 7 कोस होता है 21 किलोमीटर। अच्छा, पूरा उस पहाड़ को उठाया, तो हमने गोकुल में भी बड़ा आनंद लिया। अच्छा महाराज, तो आप 2005 में भी गए थे, उसके बीच में भी आपका जाना हुआ, और अब गए तो हमारे सब्सक्राइबर भी अक्सर ये बात करते कि यार इंडिया काफ़ी बदल गया है, तो आपको कैसा लगा? भाई पूरा डिजिटल। अच्छा, पूरा सिस्टम उनका डिजिटल। अच्छा, वो बस बस थी ना, बस थी जी जी, तो हम सोचते थे शायद ये बस से उतरेगा चलान भरवाएगा,
लेकिन वो एक ऐसा सेंसर उसने गाड़ी में लगा रखा था जी जी, और जैसे ही गाड़ी जावे वो वहाँ पर पे हो जाए टैक्स, जैसे यहाँ एम टैग कहते हैं मोटरवे पे भी आजकल जो है टैक्स वो पे हो जाता है। अच्छा, थोड़ा बहुत यहाँ भी जी जी नहीं था, मैंने पता नहीं जो मैंने, लेकिन कॉमन नहीं है अभी, इतना नहीं हुआ। अच्छा वहाँ, अच्छा, और पेटीएम, पेटीएम बिल्कुल ज्यादा यूज होता था पेटीएम, यानी कि एक थी आपने देखा वो केले बेच रहा होगा, हमको पूजा के लिए केले लेने होंगे तो बोले पेटीएम कर दो भाई, हमको कुछ पता नहीं पेटीएम क्या, तो ऐसा उसने लगाया हुआ था तो क्यूआर कोड करें तो आप पेटीएम, तो ये देखो हमने जो देखा जी जी। और सड़क बड़ी अच्छी जो है, रोड थी दमो से जो हम लोग अपना हरिद्वार से दमो गए वो भी क्या वीआईपी, उन्होंने हाईवे वगैरह अच्छा बना रखा था। नाम याद है हाईवे का उसका? हाईवे का नाम तो पता नहीं क्योंकि हम लोग रात में सफर कर रहे थे जी जी, तो बड़ा जो है ना जबरदस्त सिस्टम हमने देखा। अच्छा, उसके अलावा बाइक्स वहाँ की गाड़ियाँ क्या कहेंगे? जो है ना मैं उड़ीसा में मैंने बाइक चलाई। अच्छा हाँ, तो एक पन्ना था तो उसकी मैंने बाइक चलाई ब्लू कलर की, शायद मेरा फोटो भी होगा। कौन सी बाइक थी वो? बाइक भाई वो हैवी कैसी किस्म की बाइक थी, बड़ी जबरदस्त वो गाड़ी थी जी, तो जी। मैं ही नहीं, हमारे साथ जितने जो लोग थे ना वो सब उस गाड़ी को देख रहे थे कि हमने भाई देखा, और बड़ी सस्ती वो गाड़ी थी, उनकी कारें भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, ट्रेन में तो सफ़र नहीं कर सके? ट्रेन में मैंने सफ़र नहीं किया क्योंकि बस का या बसे थी, ट्रेन मैंने सफ़र किया नहीं था जी जी, और दिल्ली भी मेरा जाना नहीं हुआ था क्योंकि मेरा वीज़ा था नहीं दिल्ली, दिल्ली का नहीं था। तो बाकी जो जहाँ जहाँ हम लोग हैं हमने बाइक्स वगैरह देखी, गाड़ियाँ भी उनकी जो अपनी गाड़ियाँ। तो थोड़ा मार्केट्स में जाना हुआ वहाँ का? मार्केट्स देखो ना, क्योंकि मैं जिस जगह पर था जी तो वो इतने बड़े शहर नहीं थे। अच्छा, शहर नहीं थे नहीं, वहाँ के भी छोटे लोकल मार्केट या जाहिर है कोई भी अगर धाम है कोई भी। अब वो जैसे कि वहाँ पे मजबी सामान मिलता था। अच्छा, मजबी सामान जैसे वृंदावन में हम लोगों में जी, वृंदावन में सारी वो जैसे घाघरा हो गया, फूलगा हो गया, कुर्ता हो गया, ये सब चीज़ें मजबी चीज़ें जो वहाँ पर मिल रही थी जी जी। हाँ, किसी टाइम पहले जब मैं बहुत पहले गया था दिल्ली तो उस दौरान मैंने देखा था कि बड़ी रश। अच्छा, वो टाइम पे खोलते हैं टाइम पे, टाइमिंग का बड़ा वो होगा, वो सुबह टाइम पे 8:30 उनकी दुकानें जो है वो खुल जाती है। कराची वाले हम थोड़ा लेट ये है थोड़ा सा। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जी जी, बहुत अच्छा डिजिटल सिस्टम उनका है। सही, चले बहुत अच्छा लगा महाराज, और हमें भी काफ़ी जो है मज़ा आया सुन के जो है, और आप लोग जो देखने वाले आप लोग को भी भाई अच्छा लगा होगा, आनंद आया होगा सुन के महाराज की बातें, क्योंकि बेसिकली हमारा ये जो भी मकसद होता है इस वीडियो का, इस तरह की जो है वहाँ जो लोग विजिट पे गए, कोई अगर दरगाह पे गए, कोई यात्रा पे गए, कोई और इस तरह की कोई फैमिली को विज़िट करने के, वैसे तो आजकल तो वीज़ा का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लेकिन स्टिल जो है लोग जा रहे हैं, तो हम उनका एक्सपीरियंस बेसिकली आपके साथ शेयर करते हैं। कई लोगों को शायद ये वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती होंगी लेकिन बहुत से लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसी बहुत सी प्लेसेस होते हैं जहां आप रह रहे हैं और उसका नाम अगर आ जाता है तो आप खुश होते हैं कि यार एक पाकिस्तानी हमारे इस एरिया में आया, हमारे उस मंदिर में उन्होंने विज़िट किया, तो वो सारी चीज़ें, तो मेन हमारा रीज़न यही होता है कि आपका ये सामने एक्सपीरियंस शेयर करें। तो महाराज बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने जो है अपना कीमती समय में जो है टाइम निकाल के हमें जो है टाइम दिया, और फिर होपफुली आप लोग को भी जो है अच्छा लगा होगा। चैनल का जो है महाराज के जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी अगर चाहें तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस इसी तरह जो है सपोर्ट करते रहें और हम जो है इस तरह अच्छी अच्छी प्यारी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। हरे कृष्णा।